नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर पीपीटी के अंदर स्लाइड को रन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से यूज़र कंप्यूटर लैपटॉप की जगह मोबाइल के अंदर पावर पॉइंट चला रहे हैं और पीपीटी जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर मोबाइल फ़ोन में उनको पीपीटी को रन करना हो, उनको स्लाइड चलानी हो तो कैसे चलाएँ, तो यदि आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम WPS ऑफिस का यूज करते हैं, हमने जितने भी ट्यूटोरियल बनाए WPS ऑफिस ऐप का यूज करके पावर पॉइंट में बताए गए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम WPS ऑफिस को ओपन करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। एंड यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन कर दिए। दोस्तों पीपीटी जनरेट करने के बाद स्लाइड अगर रन करना हो पर्टिकुलर पेज या करंट पेज या पूरी ऑल स्लाइड को, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टूल्स फंक्शन। टूल्स फंक्शन के थर्ड वाला ऑप्शन प्ले है। प्ले पे आपको करंट पेज, फर्स्ट पेज एंड ऑटो प्ले, तीन फंक्शन मिलेंगे आपको। अगर करंट पेज को स्लाइड के रूप में देखना है, सिंपल सा करंट पेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट पेज यहाँ पर स्लाइड के रूप में आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन इफेक्ट डाल देता हूँ इसमें, एंड यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है, और सेकंड में भी डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम जाते हैं यहाँ से, तो ये हमारा करंट पेज है, यहाँ से हम स्लाइड चलाना चाह रहे हैं, पूरी स्लाइड यहाँ पर रन हो मोबाइल के अंदर। तो सिंपल सा करंट पेज पर क्लिक कर देंगे। करंट पेज से क्लिक करने के बाद जहाँ कर्सर होगा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी स्लाइड रन होना और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं सब स्लाइड ग्रुप में शो होंगे। देखिए फर्स्ट ये है, सेकेंड, थर्ड, है ना। और दोस्तों अगर आपको हम बैक जाते हैं यहाँ पर, अगर आपको पर्टिकुलर फर्स्ट पेज प्ले करना है स्लाइड के रूप में, तो सिंपल सा फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए, है ना, फर्स्ट पेज से ये यहाँ पर प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज ही प्ले होगा, आप यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड के रूप में चलेगा फिंगर से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पूरी स्लाइड चलानी है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले से आपकी सारी स्लाइड चलेंगी, मैं फर्स्ट पेज ले लेता हूँ उसके लिए, तो यहाँ फर्स्ट पेज ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर वाला, एंड यहाँ ऑटो प्ले कर देते हैं। तो अब जितनी पेजेस हैं सब ऑटोमेटिकली पूरी स्लाइड में चलेंगे। है ना, तो यहाँ पर इस तरह आपके चलेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो सिंपल सा आप इसमें जाएंगे तो ऑटो प्ले जब स्लाइड चलेगी तो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, एंड यहाँ पर इंसर्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर म्यूजिक पे जाएंगे तो आपके इंटरनल में जो भी म्यूजिक होंगे, वो यहाँ पर इंटरनल में जो भी आपके म्यूजिक डले होंगे सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक भजन डला है, तो यहाँ पर अभी कोई म्यूजिक नहीं है, तो हम आपको भजन यहाँ पर ओके कर देते हैं। एंड अब हम यहाँ पर स्लाइड चलाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर डले चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, एंड यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ जाते हैं ट्रांजिशन पैक में, सॉरी सेंडेक्शन में, यहाँ जाते हैं प्ले के अंदर और ऑटो प्ले कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक डल रहा है, बज रहा है और ये आपकी स्लाइड चली। तो इस तरह हम स्लाइड चलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।